के खालवा में एक आदिवासी युवती को उसकी फूफा ने पैसों के लालच में एक युवक को बेच दिया। यही नहीं, इस युवती को इस शादी के पहले भी दो बार बेचा गया था। लड़की की पहले की गई शादी से भी एक मासूम बच्चा है। कलेक्टर को जब इस मामले की जानकारी मिली तो उन्होंने महिला बाल विकास विभाग, ओमकारेश्वर पुलिस की संयुक्त टीम बनाकर इसकी कार्रवाई की। वहीं नाबालिग लड़की के बयान के बाद एक दूल्हे को और एक महिला समेत पांच लोगों को गिरफ्तार किया गया। एक व्यक्ति का एक साधारण सा कॉल मुझे आया था कल, जिसमें उसके द्वारा बताया गया था कि एक पर्टिकुलर लड़की है और उसकी ज़बरदस्ती छोटे में शादी की जा रही है, खालवा की रहने वाली, और कोई डिटेल नहीं बताया गया। तो इमीडिएटली तब हमने महिला बाल विकास अधिकारी को और संबंधित SDM को बताया गया। उस व्यक्ति को इनकरेज किया गया कि वो हमारे साथ चले, क्योंकि पहचान वही कर पाता। फिर हम पूरी टीम वहाँ पर गई, टीम ने फॉलो किया ओमकारेश्वर तक, फिर SDM भी वहाँ आ गई। ओमकारेश्वर में उसका विवाह संपन्न होने से पहले राइट टाइम पे कैप्चर कर लिया गया। पुलिस के द्वारा भी अच्छा सहयोग किया गया कि जीरो पे FIR उसी थाने में कायम हो गई, और ये पाया गया था कि वो महिला ने कुछ पैसे लिए थे। तो इट इज़ अ केस ऑफ ह्यूमन ट्रैफिकिंग, वेरी सीरियस, और वो लड़की उम्र में छोटी भी थी और साथ साथ अपने परिवार के सदस्यों के द्वारा उसको बेचा गया, ऐसा उसने अपने सेंटेंस में वहाँ पे SDM के सामने भी कहा। बालिका को घर से ले जाकर उसी के स्वयं के जो फूफा जी थे, वो बालिका को घर से लेकर गए थे, उसके साथ दुष्कर्म किया, और उसके बाद साथ कुछ पैसे लेकर उसको बेचे जाने की घटना सामने आई है। जिस व्यक्ति को बेचा जा रहा था उसको भी आरोपी बनाया गया है, और एक महिला का भी हाथ उसमें था जो ये सौदेबाजी करा रही थी। तीनों आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है और कोर्ट में पेश किया जा रहा है। हाँ, इसमें चूंकि नाबालिग थी बालिका, तो 3/4 पॉक्सो एक्ट की धाराएं भी लगाई गई हैं। फिलहाल पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और आरोपी दूल्हे को गिरफ्तार कर पूछताछ कर रही है। खंडवा से न्यूज के लिए अजीत कुमार लाड की रिपोर्ट।